नमस्कार आदाब श्रस्तियाकाल, मैं हूं आपके साथ बागीश और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज और सीधे आपको लेकर चलती हूं टेलीविजन दुनिया की ओर। इंडियन आइडल से अपडेट हर हफ्ते हम आपको देते ही हैं और हफ्ते में दो दिन इंडियन आइडल आता है और दोनों ही दिन मंच पर स्पेशल मेहमान होते हैं जो कंटेस्टेंट को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और जैसा कि आप लोग शुरुआत से इंडियन आइडल देख रहे हैं, जो भी मेहमान मंच पर आते हैं कंटेस्टेंट उन्हीं के गाने गाते हैं या उनके लिए गाते हैं। इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जब कंटेस्टेंट मंच पर आए स्पेशल गेस्ट के लिए गाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, आप लोगों को एक बात तो अच्छे से पता होगी कि नेहा कक्कर रोती बहुत है, वे इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की इमोशनल बातें सुनकर रो देती है। पर बता दे, वे बेवजह नहीं रोती और वो इसलिए कि पिछले हफ्ते नुसरत साहब के सहयोगी रोशन अली साहब आए थे, उन्होंने सनी के साथ गाना गाया था, लेकिन उसके बाद रोशन अली साहब ने उनकी आपबीती सुनाई और ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें तोहफे के तौर पर 2 लाख रुपये दे दिए। वहीं एक बार फिर इस हफ्ते ऐसा होने जा रहा है, इस हफ्ते कुछ ऐसे मेहमान मंच पर होंगे जिनकी आपबीती सुन नेहा भावुक हो जाएगी और उन्हें तोहफे के तौर पर कुछ राशि देंगी। ये बताने की जरूरत नहीं, जब भी उनके सामने कोई अपनी समस्या या संघर्ष सुनाता है उनकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। इन दिनों नेहा इंडियन आइडल 11 को जज कर रही है। इस शो में एक बार फिर नेहा की दरिया दिली देखने को मिलेगी। 71वां गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडियन आइडल शो में एक विशेष एपिसोड शूट किया गया। इस खास मौके पर सेना के कई जवान, पुलिस वाले, सुरक्षा कर्मी और दमकल कर्मी को स्पेशल मेहमान के रूप में बुलाया गया है, जहाँ कंटेस्टेंट ने उनके सम्मान में गाने गाए, कंटेस्टेंट ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया। एपिसोड के दौरान नेहा कक्कर ने दमकल कर्मी बिपिन गणत्रा को 2 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया। बिपिन गणत्रा पिछले 40 सालों से आग बुझाने का काम करते आ रहे हैं, हजारों लोगों की जान बचा। बिपिन गणत्रा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो अब देखते हैं इस हफ्ते 26 जनवरी के मौके पर ऐसा क्या होता है जिसे सुन नेहा उन्हें तोहफे के तौर पर 2 लाख रुपए की राशि देगी। अब ये देखना ही बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब इस हफ्ते शनिवार रविवार के दिन कौन कौन से मेहमान मंच पर आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक दिन पुलिस कर्मी, दमकल कर्मी मंच पर होंगे और उनकी आप बीती सुन नेहा उन्हें कुछ राशि तोहफे के तौर पर देगी। वहीं उनके अलावा और कौन आते हैं मंच पर, इसके लिए आपको देखना होगा इंडियन आइडल और साथ ही साथ टैलेंट इंडिया भी देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।